हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 10 तक की SST यानी कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का यहाँ पर विस्तार से लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम संपूर्ण पाठ को डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद में उनके प्रश्न उत्तरों को भी करेंगे। तो दोस्तों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक से, जिसका पहला भाग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारा ब्रह्मांड। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 अवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। तो दोस्तों एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम ध्यान देते हुए इसका अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें यह प्राय हल्का नीला दिखाई देता है, किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा दिखाई देता है। रात्रि में आकाश के इस अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि ये चमकदार पिंड जो हमें रात में दिखाई दे रहे हैं हमसे कितने दूर हैं, किस चीज से बने हुए हैं, ये चमकते क्यों हैं। मानव आदि काल से इन रहस्यपूर्ण सवालों के हल ढूंढने में लगा है। इस अध्याय में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कक्षा 6 की जो छोटी किताब है, छोटी कक्षा की किताब है, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें परीक्षाओं में सीधे देखने को मिलते हैं और हम दुनिया भर की गाइड और उनमें हम ढूंढते रहते हैं प्रश्नों को, लेकिन जो एग्जामिनर क्वेश्चंस को पुट करते हैं, पिक करते हैं, वो यहीं से इन्हीं बुक्स से करते हैं। तो दोस्तों हम इन्हें बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले जितने भी जो पिंड हैं, तारे हैं, वो विभिन्न समूहों को हम तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से भी जानते हैं। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं एवं समूह के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों का समूह सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। तो सप्तऋषि मंडल क्या है? 7 तारों का एक समूह है जिसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। और दोस्तों ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र में जो ये लाल लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, ये जो लाल लाइन है जिसको मैंने अभी आसमानी रंग से अंकित कर दिया है, इस तरह की ये उल्टी चम्मच की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, ये उल्टी चम्मच की जो आकृति है इसी को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। इसमें दोस्तों जो ये 7 तारे आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इनको सप्त ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में 7 ऋषियों का महत्व बहुत अधिक है, इसी कारण से उन 7 ऋषियों के नाम पर इसका नाम सप्त ऋषि मंडल कहा गया है। किंतु जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि अलग अलग देशों में जो आकाशीय तारा और तारा मंडल होते हैं उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो दुनिया के जो अन्य देश हैं उनमें इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे इसमें कि जो दुनिया के और देश हैं उनमें इसे किस आधार पर किस नाम से अपन जानते हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। यह मान्यता है कि सारे जो ये 7 तारे हैं ये महान ऋषि हैं जो कि अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को आलोकित करते हैं। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई कहा जाता है। जो ये 4 तारे 1, 2, 3, 4, देखो ये चारपाई जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखो चारपाई जैसी ये आकृति है, तो इनको एक चारपाई के नाम से भी इसको कहा जाता है। फ्रांस में इसे सॉस पैन आपने देखा होगा, हत्ते वाली जो डेगची होती है जिसमें अपन हाथ से जो बर्तन होता है जिसमें अपन खाना बनाते हैं, तो उसमें उस डेगची को जिसमें हत्ता लगा हो, तो सॉस पैन के, देखो ये हत्ता हुआ और ये पैन हुआ, इसमें खाना बना, इसलिए फ्रांस में इसको कहते हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण कि सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रांस में से कहते हैं दोस्तों सॉस पैन के नाम से जाना जाता है, फ्रांस में से सॉस पैन के नाम से। और ब्रिटेन में इसे खेत की जुताई करने वाला हल कहते हैं दोस्तों, इसे कहां पर? ब्रिटेन में कहा जाता है। और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। स्मॉल बियर कैसे दोस्तों? देखो इसकी ये वाला लास्ट पॉइंट है, इसको इसकी पूंछ और इसके साथ के जो और जो तारे हैं इनको इस तरह से इंगित किया जाता है कि एक छोटे भालू की आकृति का दिखाई देता है ना, स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर, एक तरफ तो उसको स्मॉल बियर कह रहे हैं
और इसी को अर्सा मेजर भी कहते हैं। सप्तऋषि मंडल का दूसरा नाम का क्या है? अर्सा मेजर, जो कि कहां पर कहते हैं इसको? यूनान में। यूनान में इसे अर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आए कि सप्तऋषि मंडल जो कि भारत में कहलाता है, सात तारों का समूह होता है, इसे चारपाई भारत के कुछ इलाकों में कहते हैं, फ्रांस में इसे सॉसपैन कहते हैं, ब्रिटेन में इसे हल कहा जाता है जो कि खेत जुताई के काम आता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है यूनान में इसे अर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है वो है कि अर्सा मेजर किसे कहते हैं? तो सात तारों का जो समूह है जो आकाश में दिखाई देता है उसी को हम अर्सा मेजर या ग्रेट वियर के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे, यहाँ पर ध्रुव तारे के बारे में बात की गई है और किस प्रकार से ध्रुव तारे की और अर्सा मेजर की स्थिति है उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीकी नहीं होने के कारण आसमान को अपलक आंखों से देखने के अलावा कोई साधन नहीं था। मतलब कोई दूरबीन या कोई टेक्नोलॉजी जिससे हम देख सकें, जैसा कि हम अनुमान लगाते हैं कि प्राचीन समय में शायद ऐसा नहीं रहा होगा, तो वो केवल आंखों से ही आसमान को देखा करते थे। इसलिए इन चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए उसने इनको विभिन्न नाम दिए एवं स्थानीय कहानियां जो है वो रची गई। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियां कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी, इसलिए तारों के समूह के रूप में उन्हें जिस पशु पक्षी की आकृति नजर आती थी उस तारा समूह को उसी पशु पक्षी का नाम दे दिया जाता था। इन तारों के समूह सप्तऋषि जो मंडल था उसे संसार में पौराणिक काल से महत्वपूर्ण माना गया है। रात्रि के समय लोग तारों की स्थिति एवं दिशाओं का निर्धारण करते थे, मतलब तारों की स्थिति देख लेते थे कि ये तारा जो है वो इस दिशा में होता था, उसी आधार पर दिशा का पता लगाते थे। कोई कंपास वगैरह होता नहीं था जिससे पता लगा सकते कौन सी दिशा किस तरफ है। भारतीय मान्यता अनुसार जो ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण करने के लिए जाना जाता है। यानी कि माना जाता है कि अगर आप भारत में हैं और आपको ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है तो जिस दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देगा, देखिए ये ध्रुव तारा है, ये जिस दिशा में दिखाई देगा वो निश्चित रूप से ही उत्तर दिशा है। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। इसकी स्थिति को जानने के लिए सात तारों के समूह सप्तऋषि मंडल के दो तारों को एक सीधी रेखा में देखो ये सप्तऋषि मंडल है। अभी हमने देखा था सप्तऋषि मंडल ये उल्टे सॉसपैन की जैसा होता है, ये चम्मच की जैसा, उल्टी चम्मच की जैसा, ये सप्तऋषि मंडल। तो इसके जो दो तारे हैं, कौन से दो तारे? ये वाले जो दो तारे हैं, इन दोनों तारों को जब एक सीधी रेखा में मिलाया जाता है और इनसे जब सीधी रेखा अगर खींची जाए तो सीधी रेखा जिस तारे को जाकर मिलेगी वो ही कौन सा तारा है? ध्रुव तारा है। दोस्तों दो तारों को, अंतिम जो दो तारे हैं उनको अगर हम मिलाएंगे तो हमें कौन सा तारा दिखाई देगा? उस रेखा से ध्रुव तारा दिखाई देगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि काल्पनिक रेखा को जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं तो वह उत्तरी ध्रुव पर स्थित ध्रुव तारे को जोड़ती है। पारंपरिक किस्से कहानियां काल्पनिक थी इसलिए उन्हें मिथक कहा जाता है। मतलब कोई प्रमाण नहीं है ना ऐसा कि, तो पारंपरिक जो किस्से कहानियां उनको क्या कहते हैं? मिथक के नाम से जाना जाता है। देश विदेश की कुछ पारंपरिक कहानियों में भारत में प्रचलित एक कहानी पौराणिक मान्यता के अनुसार है जो ध्रुव तारे के बारे में। तो अब एक कहानी है जो कि पौराणिक है, कोई इसका प्रमाण नहीं है, शास्त्रों में तो प्रमाण है लेकिन वैसे साइंटिफिक रूप से आज के जो साइंटिफिक रूप में जो मानते हैं उस तरह का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ध्रुव तारे की भारत में कौन सी कहानी है जो प्रचलित है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो पोल स्टार, यानी कि पोल स्टार का मतलब क्या होता है? ध्रुव तारा। पोल मानी ध्रुव, जैसे होता है ना उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो उसी से ध्रुव तारे का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको पोल स्टार। क्या कहा जाता है इसको इंग्लिश में? पोल स्टार के नाम से इसको जानते हैं। ध्रुव तारे को किस नाम से जाना जाता है? पोल स्टार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है स्थिर या अटल। ध्रुव मतलब जो स्थिर है, अटल है। ध्रुव तारे के बारे में एक पौराणिक कहानी है। ध्रुव नाम का एक बालक था जो राजा उत्तानपाद एवं रानी सुनीति का पुत्र था। महाराज ध्रुव के बारे में हम जानते हैं कि ध्रुव जो है वो भगवान के भक्त थे और उन्हीं के बारे में एक कहानी है। तो वो एक राजा के पुत्र थे, उनका नाम था उत्तानपाद और उनकी रानी और उनकी जो माँ थी उनका नाम था सुनीति। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। उत्तम उसकी दूसरी रानी सुरुचि का पुत्र था। यानी राजा उत्तानपाद के दो रानी थी, एक थी सुनीति और एक थी सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव महाराज और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। ठीक है, तो रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, इस कारण वह राजा पर अधिक अधिकार जताती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में बिठा करके खेल रहे थे। उसी तरह में ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, किंतु रानी सुरुचि जो उसकी सौतेली मां थी उसको ये पसंद नहीं आया।
वह ध्रुव को गोद से उतार कर बोली, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिल सकता है जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर के जन्म लो। ऐसा उसकी जो सौतेली माँ है उसने कहा। तो जब उसने कहा तो बालक ध्रुव के मन पर इस बात का बहुत ही प्रभाव पड़ा, तो वो भगवान की खोज में आगे अब इस कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार से महाराज जो ध्रुव है वो भगवान की खोज में चल दी। उसी समय ध्रुव महाराज ने भगवान नारायण की आराधना का दृढ़ संकल्प किया। तब माता सुनुति एवं नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया कि भैया भी बच्चा है और सुरुचि की बातों पर ध्यान न दे। लेकिन ध्रुव तो जो स्थिर है, अटल है, तभी तो उनका नाम ध्रुव है। ध्रुव ने लगभग 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर तपस्या की। बालक की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह इस पृथ्वी पर महान और बुद्धिमान राजा बनेगा एवं मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर रहेगा। माना जाता है कि ध्रुव को ब्रह्मांड में सप्तऋषि मंडल के पास ध्रुव तारे के रूप में स्थान प्राप्त है जो आज भी अपने स्थान पर अटल है। तो इसमें पहले ही बताया गया कि भाई जो पौराणिक कथाओं से जोड़ने से जो भी बातें होती थी वो स्थायी हो जाती थी, तो इस वजह से भारत में ये कहानी विशेष रूप से ध्रुव तारे के बारे में प्रचलित है। तो अब तक हमने ध्रुव तारे के बारे में कौन कौन सी बातें थी जो महत्वपूर्ण हमने जानी कि ध्रुव तारा जो है वो सप्तऋषि मंडल जिसे आसा मेजर यूनान में कहा जाता है उसके जो अंतिम दो तारे उनको मिलाने पर ठीक उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी है बच्चों के लिए, कक्षा 6 के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए विशेष तौर से ये एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है दोस्तों? कि सूर्यास्त के बाद आसमान में तारों को अवलोकन करें और सप्तऋषि मंडल की स्थिति का पता लगाएं कि सप्तऋषि मंडल कहाँ है। तो दोस्तों आप भी आज रात को ही ये सप्तऋषि मंडल को आकाश में देखने का प्रयास कर सकते हैं। अपने परिवार के बड़े सदस्यों से तारों के बारे में पौराणिक किस्से कहानियां सुनिए और उन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तारों के समूह के अनुसार उनकी आकृति की पहचान कर इन्हें नाम देने का प्रयास कीजिए। मतलब आप भी खुद भी मतलब एक अपने अनुसार ही तारों के बारे में अपनी एक संज्ञान विकसित कर सकते हैं, उनका नाम दे सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। ये तो था ध्रुव तारे की कहानी और सप्तऋषि मंडल के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि आसमान में जो ये खगोलीय पिंड दिखाई देते हैं क्या होते हैं, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ये सब चीजें किस किस के बारे में? ये कह रहा तारे जो आसमान में हमें दिखाई देते हैं, उल्का पिंड जो हमें तारा टूटता हुआ दिखाई देता है वो वास्तव में उल्का पिंड होता है, ग्रह जैसे पृथ्वी, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, उपग्रह जैसे चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं, धूमकेतु, धूमकेतु मतलब जैसे हेली नाम का जो धूमकेतु 1986 में दिखाई दिया था वो पुच्छल तारा जिसको कहते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी, इसमें देखो कौन कौन है, खुद ही कह रहा है पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब जो आकाश में जो पिंड होते हैं इन सब पिंडों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। आकाशीय चीजों को खगोलीय चीज कहते हैं और क्योंकि ये पिंड है मतलब इनकी कोई ना कोई ठोस आकृति है इस वजह से इन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं। मतलब ये जो है वो सभी पिंड जो दिखाई देंगे हमको आसमान में बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और ये हमको दूर से दिखाई देते हैं। ये तारे जो होते हैं इनमें हाइड्रोजन और हीलियम जो कि बहुत ही ऊर्जावान गैसें हैं इनके सम्मिश्रण से बने होते हैं। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा को विकृत करते हैं, मतलब इनसे किरणों के रूप में बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल रही होती है। और जो हमारा सूर्य है सन, वो भी क्या है, एक स्टार है, सन इज ए स्टार, सूर्य भी एक तारा है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते हैं क्योंकि तारों में तो देखो कौन कौन सी गैस है, तो प्रश्न आ सकता है कि तारे किस किस गैसों से मुख्यतः बने होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन और दूसरी होती है हीलियम, लेकिन कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने होते हैं और कुछ के अंदर ठोस, द्रव एवं गैसीय पदार्थ तीनों ही होते हैं। हमें आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म एवं एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं परंतु वास्तव में ये विशाल हैं और एक दूसरे से बहुत लाइट ईयर्स, बहुत दूर दूर तक लाइट ईयर्स दूर तक स्थित होते हैं। इसमें से कुछ की चमक तो बहुत तेज होती है और कुछ की चमक कम होती है। जो हमें दिखाई देते हैं उनकी चमक तेज होती है और जो हमें दिखाई नहीं देते उनकी चमक कम होती है। इसका कारण यह है कि कुछ पिंड स्वयं चमकदार हैं और कुछ पिंड दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। अब देखो कौन सा पिंड है जो स्वयं चमकता है और कौन सा पिंड दूसरे के प्रकाश से चमकता है। तो यहाँ पर यह बात बताई जा रही है कि सभी ग्रह जितने भी, जैसे पृथ्वी, मंगल, ये जितने भी ग्रह हैं, बुध, शुक्र है ना, और उनके जो उपग्रह हैं ये तो सब चमकते हैं दोस्तों। तारे यानी कि हमारा जो सूर्य है क्योंकि सौरमंडल में स्थित है तो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आपके मन में ये बात जरूर आई होगी कि आसमान में रात्रि में चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई क्यों नहीं देती, ये कहां गायब हो जाती है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि ये सब चीजें जो है वो दिन में दिखाई क्यों नहीं देती है। तो एक यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है छठी क्लास के बच्चों के लिए। तो क्या करके देखना है, आपको एक रंगीन कागज लेना है। क्या लेना है आपको दोस्तों?
एक रंगीन कागज लेना है, उस रंगीन कागज में सुई से छोटे छोटे छेद करना है और एक टॉर्च को लपेट करके एक रबड़ उस पर बांध देना है। तत्पश्चात कमरे को बिल्कुल, दरवाजे खिड़की वगैरह बिल्कुल अंधेरा कर दो कमरे में, और जो एक छेद युक्त कागज आपने टॉर्च के मुंह पर लगा रखा है, अब उस टॉर्च को आप दीवार पर ले जाकर जलाएंगे तो आप दीवार पर देखेंगे कि प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदु वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे रात के समय आसमान में तारे दिखाई देते हैं। अब कमरे की ट्यूबलाइट को जैसे ही जलाएंगे तो प्रकाश के सभी बिंदु जो है वो लगभग अदृश्य हो जाएंगे। ठीक इसी तरह सूर्य के उदय होने पर अन्य तारे अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के निकट होने के कारण सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है, इसलिए हमें दिन में तारे दिखाई नहीं देते, जबकि सभी तारे क्या होते हैं, अपनी जगह पर ही होते हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी दूरी भी अधिक है, और जब दूरी अधिक है और जब सूर्य की दूरी कम है तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा है, तो इस वजह से जब जैसे ट्यूबलाइट के जलने पर टॉर्च का प्रकाश से बनने वाले जो छोटे बिंदु दिखाई नहीं दे रहे थे, उसी प्रकार से सूर्य के आने पर, सूर्य के उदय होने पर जो आसमान के जो तारे हैं वो हमें दिन के समय पर दिखाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों क्लियर हुआ होगा आपका यहाँ तक। अब आगे हम बात करेंगे जो हमारे पाठ का नाम है ब्रह्मांड, ब्रह्मांडीय तत्व। तो ये ब्रह्मांड क्या होता है, यूनिवर्स किसे कहते हैं, क्या है ये ब्रह्मांड, क्या है यूनिवर्स, इसके बारे में ही हम अब आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह की रोशनी और इस तरह से ये घूमता हुआ एक चक्कर सा, इसको ब्रह्मांड कहा गया है। शास्त्रों में ब्रह्मांड का अलग दृष्टिकोण से वर्णन है, लेकिन यहाँ पर हम भौतिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। समस्त आकाशीय एवं खगोलीय पिंड अनंत आकाश में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष स्पेस कहा जाता है, जिसका कोई अंत नहीं है, ना आदि ना अंत है, बिल्कुल वो बहुत विस्तारित है, उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित होता है, इसी में हमारा ब्रह्मांड स्थित होता है। अंतरिक्ष के देखो वैसे तो करोड़ों अरबों की संख्या में ब्रह्मांड होते हैं, हमारा एक ब्रह्मांड है, अरबों की संख्या में ब्रह्मांड है इस जगत में। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह हैं, विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों उसमें क्या होता है, एक दूसरे से बंधा हुआ होता है, उसे आकाश गंगा कहा जाता है। दोस्तों क्या हुआ, आकाश गंगा की परिभाषा क्या हुई कि एक ऐसा क्षेत्र जो कि क्या है, विभिन्न तारे और तारों के मध्य गैस, धूल कण, ये सब जहां पर जमे हुए होते हैं उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों आकाश गंगा कहते हैं, जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली होती है। आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी जो दोस्तों किसमें मापी जाती है, प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, क्योंकि वो दूरी इतनी अधिक होती है कि उसे किलोमीटर मीटर में नापना संभव नहीं होता, इसलिए उसके लिए जो मापन की इकाई होती है वो होती है प्रकाश वर्ष। तो प्रश्न आ सकता है कि आकाशीय खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी किस इकाई में नापी जाती है, तो दोस्तों वह प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। तो ये जो तारे होते हैं ये बहुत, जो आकाशगंगा की लंबाई है वो लाखों प्रकाश वर्ष तक होती है, इन अनगिनत आकाशगंगा, और एक आकाशगंगा नहीं होती, बहुत अनेकों अनेकों आकाशगंगाएं होती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, इन अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को एक ब्रह्मांड कहते हैं, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है इस दुनिया में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है, तारों का समूह दोस्तों क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है, और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य मतलब तारों के बीच में मिलने वाली गैस, इसको कहते हैं तारक मध्य गैसें, धूल कणों से आकाश गंगा का निर्माण होता है। आकाश गंगा को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों गैलेक्सी। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित होते हैं, जैसे कि हमारा सौर मंडल। अब दोस्तों आपके समझ में आया होगा, देखो क्या है, एक आकाश गंगा होती है, बहुत बड़ी आकाश गंगा, उस आकाश गंगा में बहुत सारे नक्षत्र मंडल होते हैं, और उस नक्षत्र मंडल में बहुत सारे तारा मंडल होते हैं, और उन तारा मंडलों में से हमारा एक तारा मंडल है, सूर्य एक तारा है और उसका अपना एक मंडल है, मंडल मतलब उसके परिवार के सदस्य, उस सूर्य पर निर्भर, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जितने भी खगोलीय पिंड है वो सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, हमारा सौर मंडल कहते हैं। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं हम, अब ये कह रहा है क्या आप जानते हैं, तो ये देखो ऐसे जो प्रश्न है ना, जहां पर भी आपको बुक में दिखाई दे क्या आप जानते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं हमारी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। क्या है ये प्रश्न, देखो क्या आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी का एक मापक है, इसका उपयोग अभी जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पर बताया गया, इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है, एक वर्ष में, यानी कि एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति, मतलब एक सेकंड में, हमारी जब एक सेकंड होगी उसमें प्रकाश 300,000 किलोमीटर तक जाएगा,
उतनी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। मतलब एक वर्ष की अवधि में, मतलब जैसे एक सेकंड में 3 लाख, फिर ऐसे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 1 दिन, फिर 1 महीना, फिर ऐसे करके जब 1 वर्ष तक प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जब यात्रा कर चुका होगा, तब जाकर के जितनी दूरी बनेगी उसको कहा जाता है दोस्तों लाइट ईयर। तो हम हमारी कल्पना से भी बहुत परे है। जैसे मान लो ये देखो दोस्तों, ये है 1 सेकंड, 1 सेकंड में प्रकाश चला 3 लाख किलोमीटर, फिर ये हुई दूसरी सेकंड, फिर इस दूसरी सेकंड में प्रकाश अगले 3 लाख किलोमीटर चला, फिर ये हुई तीसरी सेकंड, इस तीसरी सेकंड में फिर प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर चला, ऐसे कर करके 60 सेकंड पूरी हुई। तो 60 × 3 करोगे तो इतने लाख किलोमीटर प्रकाश जो है वो जा चुका होगा, 180 लाख किलोमीटर तक वो प्रकाश 1 मिनट में जा चुका होगा। फिर 1 घंटे में उसको आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 1 दिन में उसको 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 1 महीने में उसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको 1 साल यानी कि पूरे 12 से मल्टीप्लाई, इतना जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इतने लाख क्या अरबों किलोमीटर दूर तक प्रकाश जो है वो एक प्रकाश वर्ष में जा चुका होता है। इस प्रकार प्रकाश वर्ष लगभग, देखो ये आ गया मापन आ गया इसका, 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना किलोमीटर दोस्तों? 95 खरब किलोमीटर की दूरी जो है प्रकाश के द्वारा तय की जाती है। अतः यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी एक प्रकाश वर्ष में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 95 खरब किलोमीटर की दूरी एक प्रकाश वर्ष में होती है। तो दोस्तों अब आगे हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में इस दुनिया में क्या क्या जो बातें हैं जो प्रचलित है उनके बारे में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी। ब्रह्मांड मानव के लिए सदा से ही जिज्ञासा का कारण रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में भी काफी रोचक किस्से प्रचलित है, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, वैसे तो दोस्तों अलग अलग धार्मिक सिद्धांतों में सनातन धर्म में भगवान को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति कारक कहा गया है और उन्हीं से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है ऐसा कहा जाता है। किंतु जो साइंस पर आधारित सिद्धांत है उसे बिग बैंग कहा जाता है और उसने कहा है कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांडीय और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई, तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेकानेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा मिल्की वे में स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है जिसमें सौर परिवार स्थित है, उस आकाशगंगा को इंग्लिश में तो दोस्तों कहते हैं मिल्की वे और उसको हिंदी में कहा जाता है या तो मंदाकिनी कहते हैं उसको। दोस्तों क्या कहते हैं हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी कहते हैं उसको, या उसको दुग्ध मेखला भी कहा जाता है, दुग्ध मेखला, या फिर उसको क्या भी कह सकते हैं दोस्तों? ऐरावत पृथ्वी कहा जाता है। ये 3 नाम आपको याद रखने, हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी, दुग्ध मेखला और ऐरावत, इन नामों से जाना जाता है। और इंग्लिश में उसका एक ही नाम है दोस्तों जो है मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों प्राचीन समय में, प्राचीन काल में क्या था दोस्तों? भारत में इसकी परिकल्पना आकाश में प्रकाश की नदी यानी कि आकाश गंगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्रकाश की नदी, क्योंकि लाइट तारे होते हैं बहुत सारे, तो एक दुग्ध मेखला यानी दूध की नदी, सफेद नदी के हिसाब से दिखाई देते हैं। तो भारत में गंगा नदी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम रख दिया गया आकाश गंगा, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। ऐरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई बड़ी प्रमुख आकाशगंगाएं हैं। तारों के समूह से ही आकाशगंगाओं का निर्माण होता है, यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम एक तो क्या है दोस्तों? ऐरावत पर्वत। क्या नाम है उसका? ऐरावत नहीं, ऐरावत तो हाथी का नाम है, ऐरावत पथ कहा जाता है उसको। क्या कहते हैं दोस्तों? ऐरावत पथ, ऐरावत इसका नाम है, ऐरावत पथ नाम है इसका दोस्तों। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमारी जो आकाशगंगा उसको ऐरावत पथ, दुग्ध मेखला, इन नामों से जाना जाता है। अब आगे हम बात करते हैं, ये देखिए दोस्तों ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो चित्र है इसमें देखो ये नदी की जैसी, देखो बिल्कुल एकदम व्हाइट आकाश में दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं दोस्तों आकाशगंगा। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों? सूर्य हमारी पृथ्वी से सबसे निकट का तारा, इसलिए इतना चमकीला और इतना प्रकाश युक्त दिखाई देता है। तो इस हमारे सूर्य के प्रकाश युक्त दिखाई देने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल निकट है और पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो छोटे छोटे प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, संख्यात्मक तथ्य जो आ रहे हैं, इनसे आपके निश्चित रूप से प्रश्न बनेंगे, इनको आपको जरूर से ध्यान में रखना है। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है कौन? सूर्य पृथ्वी से। अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी सूर्य से
समान ही प्रतीत होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सबके अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमेशा हमें दिखाई नहीं देता लेकिन काफी आकर्षक और निराला है, इसका नाम पुच्छल तारा है, और जिसे हम क्या भी नाम से जानते हैं, धूमकेतु के नाम से जानते हैं। इनकी रचना जो होती है, धूमकेतु किस किस से मिलकर बना होता है, बर्फ, धूल, छोटी चट्टान और गैसीय पदार्थ। तो प्रश्न आ सकता है धूमकेतु किससे मिलकर बना होता है, बर्फ से, धूल से, छोटी चट्टानों से और गैसीय पदार्थों से। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं, इस कारण हमें इन्हें पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा कहते हैं। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ एवं पूंछ विपरीत दिशा में रहती है। ये सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करता है, जैसे वे ग्रह करते हैं, कभी वे सूर्य के निकट आ जाते हैं और कभी बहुत दूर चले जाते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें साफ देखा जा सकता है। और तब उन्हें कैसा देखा जा सकता है, साफ साफ देखा जा सकता है, मतलब कभी तो ये सूर्य के पास आ जाते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा, देखो दोस्तों ये एक धूमकेतु है, ये रहा देखो धूमकेतु, इसका देखो धूमकेतु का ये मुंह जो है वो सूर्य की तरफ है, और इसकी देखो ये पूंछ दिखाई दे रही है आपको, ये पूंछ मतलब ये पीछे रोशनी से छोड़ता जा रहा है, इसको कहते हैं दोस्तों धूमकेतु। अब आगे बात करते हैं हम, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, एक हेली नाम का पुच्छल तारा है जो 1986 में देखा गया था, इसका नाम इसका दे दिया गया है हेली 1986। इसका नाम क्या है, हेली 1986। दोस्तों इसको अभी मैं आपको लाइव दिखाने भी वाला हूं, किस प्रकार से 3D मॉडल के जरिए किस प्रकार से ये जो है धूमकेतु दिखाई देता है, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हेली नाम का जो धूमकेतु है ये 1986 में दिखाई दिया था, इसलिए इसका नाम हेली 1986 रख दिया गया है। अब ये 2062 में पुनः दिखाई देगा, यानी कि आज से लगभग 35-40 वर्ष के बाद में ये जो है हमको दिखाई देने वाला है, कौन, धूमकेतु जो तारा है वो 2062 में हमको दिखाई देने वाला है। अब हम आगे चर्चा करते हैं, क्या कह रहा है आगे, कि आओ करके देखें, क्या करके देखना है बालकों को, जो 6th क्लास के बालक है वो क्या करके देख सकते हैं, आइए ब्रह्मांड के विस्तार और आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। एक गुब्बारा लेकर उस पर दो या अधिक निशान लगाएं, मतलब एक गुब्बारा लें और बिना फुलाए उस पर दो निशान लगा दो और उस पर गुब्बारे को फुलाओ, फिर जैसे आप फुलाओगे तो आपने जो दो निशान लगाए थे वो आपको सिकुड़ने पर जो पास पास दिखाई दे रहे थे वो दूर होते चले जाएंगे। इसी तरह से आकाशगंगाएं भी एक दूसरे से क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं, क्योंकि जो हमारा जो आकाश है वो निरंतर विकास कर रहा है, और इसके पीछे दोस्तों शास्त्रों में अनेक अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, वो भी ये मानता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें निरंतर विकास हो रहा है, और जो आकाशगंगाएं जो तारे वो निरंतर एक दूसरे से क्या जाती जा रही हैं, दूर जाती जा रही हैं। तो अभी तक हमने ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखी। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद में दोस्तों हम एक बहुत ही अच्छे से एक इसका 3D मॉडल देखने वाले हैं, और उसको अभी हम शुरू करेंगे 3D मॉडल को, तो किस प्रकार से वो 3D मॉडल है उसको भी आपको जरूर से देखना है। लेकिन कुछ शब्द हैं उनको आप पहले जान लीजिए कि इन शब्दों का क्या अर्थ है, किस प्रकार से हैं ये शब्द। देखो पौराणिक जो शब्द है इसका अर्थ होता है प्राचीन, अभी इसमें शब्द आया था ना पौराणिक मान्यता, प्राचीन या पुराने यानी पुराने काल से चली आ रही मान्यताएं हैं उनको पौराणिक कहा जाता है। अनंत, ऐसा अनंत, अनंत आकाश, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई आदि ना हो, तो अनंत कहते हैं। ब्रह्मांड कैसे कहते हैं दोस्तों, असंख्य आकाश गंगाओं का समूह, असंख्य आकाश गंगाओं का समूह। आकाश गंगा के अंदर कौन होते, नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडलों में कौन होते, तारा मंडल, और सप्तर्षि मंडल क्या है, 7 तारों का समूह, इसको सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। इसी को यूनान में अर्था मेजर कहते हैं, ब्रिटेन में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको खेत में चलाया जाने वाला हल कहा जाता है। इस प्रकार से फ्रांस में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रांस में इसको क्या नाम से जाना जाता है, ग्रेट वियर के नाम से जाना, यूनान में इसको जाना जाता है अर्था मेजर के नाम से, है ना। और फ्रांस का भी अभी पढ़ा था, अभी आगे देखेंगे उसको, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आता है दोस्तों बात खगोलीय पिंड, आकाश में पाए जाने वाले ग्रह, तारे और उपग्रह खगोलीय पिंड कहलाते हैं। उपग्रह क्या होता है दोस्तों, ग्रह का चक्कर लगाने वाला जो पिंड होता है वो क्या होता है, उपग्रह होता है। जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला कौन है दोस्तों, मून। ये मून हमेशा पृथ्वी के क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। और नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं, तारों का समूह। तो दोस्तों देखो तारा मंडल तारों का समूह से बनता है नक्षत्र मंडल जब बहुत सारे हो जाते हैं तो वो नक्षत्र मंडल किसका निर्माण करते हैं, आकाश गंगाओं का निर्माण करते हैं। तो इस तरह का ये हमारा पूरा चैप्टर था। इसके प्रश्नों को करने से पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, एक मैं आपको 3D मॉडल के जरिए इसको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं हम 3D मॉडल को, किस प्रकार से 3D मॉडल है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के जरिए आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से हम देख सकते हैं।
दोस्तों आपको स्क्रीन पर ये देखो दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारी जो पूरा जो का पूरा जो प्लेनेटरी सिस्टम है वो किस प्रकार से है, आप इसमें देख पाएंगे अच्छे से। इसमें आपको एक पूरा का पूरा 3D मॉडल दिखाई देगा, उस 3D मॉडल के जरिए हम ये देख पाएंगे कि हमारा जो प्लेनेटरी सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं उनको हम देख पाएंगे। तो देखिए अभी कुछ ही देर में आपको पूरा का पूरा जो मॉडल है वो एकदम लाइव दिखाई देगा, जिसमें अभी हमने जो भी चर्चाएं की, जो हेली नामक धूमकेतु वो कैसा दिखाई देता है, पृथ्वी और जितने भी जो आकाशीय पिंड है उनकी क्या वास्तविक स्थिति है उसको हम अभी अभी यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा हमारा जो तारामंडल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखो दोस्तों ये आज की डेट है 24 जून 2021 और 16:39 अभी हो रहे हैं। ये देखो ये सन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसको मैं और अच्छे से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है ना, ये देखो मरकरी, बुध ग्रह, मार्स मंगल ग्रह है ना, इस तरह से और भी जो हमारे जो ग्रह हैं वो भी हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। दोस्तों देखो ये जुपिटर, जुपिटर मतलब हमारा जो कौन सा ग्रह, बृहस्पति ग्रह को जुपिटर कहा जाता है, दूसरे चैप्टर का भाग है उसमें हम पढ़ेंगे। देखो ये पूरा का पूरा हमारा सौर मंडल है, देखो सैटर्न शनि ग्रह जो देखो, तो ये जो बाहर के ग्रह होते हैं ना दोस्तों, ये बाहर के ग्रह जैसे सैटर्न हुआ, जुपिटर हुआ है ना, ये भारी कक्षा के ग्रह कहलाते हैं, इनको मैं आपको बाद में बताऊंगा। और किस प्रकार से देखो एक और ये यूरेनस ग्रह हो गया, नेपच्यून हो गया है ना, इस तरह के ये देखो ये पूरा का पूरा सौर मंडल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो ये इसकी कक्षा है, देखो नेपच्यून की कक्षा ये है ना, इस तरह से ये बीच में हमारा सन है। तो सन मानी सूर्य और सूर्य के चारों ओर ये जितने भी ग्रह है वो आपको दिखाई, सूर्य दिखाई कैसा देता है, देखो सूर्य को हम देखेंगे, देखो सूर्य देखो ये रहा सूर्य, पूरा आग का गोला है देखो दोस्तों, पूरा का पूरा एकदम आग का गोला दिखाई दे रहा होगा आपको, सूर्य एकदम आग का गोला, ये है हमारा सन। अब हम बात करेंगे हमारा वापस से हम सोलर सिस्टम की ओर लौटाएंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा सन है और ये जो आपको देखो विभिन्न तारे भी दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, देखो कितने सारे तारे दिखाई दे रहे हैं और ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ क्या करती है दोस्तों, हम जानते हैं अर्थ के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अर्थ का काम होता है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। देखो यहाँ पर डेट चेंज होती जाएगी दोस्तों, देखो एक साल में एक चक्कर पूरा करती है। देखो अभी अगर इसको मैं बैक लेके जाऊंगा, देखो ये वापस अर्थ को मैं पीछे घुमा रहा हूँ, देखिए दोस्तों ये देखो ये इसकी जो अर्थ का चक्कर निकलता जा रहा है, देखो 2022 आ गया, देखो फटाफट से एक चक्कर पूरा होती है, एक और चक्कर जैसे ही अर्थ लगाएगी तो ये 2023 हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा दोस्तों। देखो ये पूरा का पूरा सौर मंडल, और एक चीज और आप गौर कर रहे होंगे, जो मरकरी